हाय लवली लेडीज, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी शॉपिंग सीजन। और आप सब मुझे बताना आपकी मेहंदी कैसी लगी। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल मेकअप रूटीन जो आप करवा चौथ के लिए कर सकते हो घर पे ही, कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट से मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज ये करो आप कि अपने फेस को मिसेलर वाटर से क्लीन कर लो, क्योंकि मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन वगैरह लगा के रखते हैं ना हम लोग तो। और उसके क्लीन करने के बाद हाइड्रेट कर लो, रोज़ वाटर भी से भी कर सकते हो, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो जैसे मैंने सीताफल का लगाया। उसके बाद क्योंकि करवा चौथ है, ग्लैम लुक देना है ना, तो ये मैं थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर लगा रही हूँ। आपके पास अगर कोई फेस शिमर है वो भी लगा सकते हो। अब ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैक प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस। ये प्राइमर का काम करता है, देखो स्किन पे ऑलरेडी ग्लो आ गया है। और ये मैं क्लिनिक का सुपर बैलेंस्ड फाउंडेशन लगा रही हूँ, बहुत अच्छा एकदम स्किन से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी ऐसे वाइट वाइट नहीं लगता। और यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंसीलर मिल्क मेकअप का, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से बस उसको ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ क्विकली। ये बिल्कुल 15 मिनट में होने वाला मेकअप है तो जल्दी कर सकते हो। और ये मेबेलिन का फिट मी पाउडर ले लिया मैंने जिससे कि मेकअप सेट हो जाएगा। फिर ना मेकअप करते टाइम मैंने लिपस्टिक लगा ली ताकि एक ओवरऑल लुक आ जाए, फेस वाइट वाइट ना लगे। फिर अपनी आईब्रोज भी कर ली मैंने, और यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैंने ये शिमरी ब्लश लिया है। मेरा नार्स का जो ऑर्गेजम ब्लश है वो ख़त्म हो गया तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो बस चीक ऐसे चिन पे भी लगाओ उसको। और फिर मैं ये लगा रही हूँ हाईलाइटर अपने हाई पॉइंट्स पे फेस के सारे। उसके बाद आई शेडो यहाँ पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा एक डार्क शेड लेके मैं आउटर कवरिंग कर रही हूँ, जो आपके आईज़ के बाहर का एक एरिया होता है ना उसको शेड कर लो ऐसे एक ब्लेंडिंग ब्रश से। और आईज़ के नीचे भी उसको ऐसे करो ताकि एक पूरा आई एक यूनिट लगे। उसके बाद ये बस मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ ब्रश पे और उसको प्लेस कर रही हूँ अपनी सेंटर ऑफ द आईलिड्स पे, और उसको नीचे लोअर लैश लाइन के नीचे भी लगाओ तो बहुत अच्छा लुक आता है। उसके बाद ये ऑरेंज ग्लिटर है, फिंगर से ही लगा लो इसको, कोई ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इतना व्रत रख के हम थक जाते हैं तो कहाँ ग्लू लगाएंगे तो बस ऐसे फिंगर से ही उसको लगा लो। और ये मैंने लाइट ऑफ करके आपको दिखाया कि नेचुरल उसमें भी ये मेकअप देखो कितना प्यारा ऐसे शिमरी शिमरी सा लग रहा है। उसके बाद बस एक आईलाइनर से, क्योंकि एक बहुत एम्प अप हो जाता है लुक, तो आईलाइनर से एक अपने लुक को पूरा वो कर लो, लिफ्ट कर लो, और उसके बाद लगा लो मस्कारा एंड दैट इज़ डन। ये देखो, और इस तरीके से आपका लुक लगेगा। और मुझे लगा कि ना कंटूरिंग करनी ज़रूरी है, बाद में कर लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस हल्की सी मैंने ऐसे कंटूरिंग कर ली, बस ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, वो दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से ब्लेंड कर लो एंड वी आर डन। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। सुपर इजी, सिंपल एंड बेस्ट फॉर करवा चौथ। सो लेडीज़, हैप्पी फास्टिंग, हैप्पी शॉपिंग, और अपने हस्बैंड्स को बहुत सारा लूटना, बहुत सारे गिफ्ट्स लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।